बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वाहन की टक्कर से पैदल जा रहा व्यक्ति घायल हो गया। घायल का नाम आमगांव निवासी श्रीराम माधवलाल खंडेलवाल, उम्र 67 वर्ष है। उसके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साकोली में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर 2 लाख रुपए उड़ा लिए। यह घटना प्रगति कॉलोनी सिंदूरवाफा में हुई। कुल मिलाकर 1,71,000 रुपए की चोरी की गई। लाखनी तहसील में सेलो टिकी वृद्ध महिला सत्यभामा भिवाजी गिरे पुंजे, उम्र 75 वर्ष की, नहर के पास एक गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम सिहोरा निवासी रेखा बुधवा ने, उम्र 29 वर्ष, ने जहर पिया था। उसे गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दावनवाड़ी थाने के तहत ग्राम खातिया निवासी रविचंद्र हत्तीमारे, उम्र 65 वर्ष, के खेत में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषि योजना के तहत लगाए गए 7,000 कीमत के सोलर प्लेट को किसी ने चुरा लिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सालेकसर थाने के तहत सावली में हुई दुर्घटना में मोहम्मद हबीब मोहम्मद वजीर शेख, उम्र 50 वर्ष, घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल में लाने के बाद मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर थाने के तहत आईटीआई फुलचुर टोला निवासी फिरियादी फैजाल इकबाल सैयद, उम्र 22 वर्ष, ने अपनी मोटरसाइकिल सैली मैचिंग सेंटर के बाजू में गली में रखा था। अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।